सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग करने वाले हैं pTron का ईयरफोन जिसका नाम है बूम अल्टिमा डुअल ड्राइव वायर ईयरफोन है गाइस। कुछ इस तरीके का दिखता है। इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखेंगे, PUBG टेस्ट करेंगे और म्यूजिक टेस्ट भी करेंगे और एक कैसा ईयरफोन है, आप लोगों को खरीदना चाहिए कि नहीं PUBG के लिए, ये मैं पूरा ओपिनियन देने वाला हूँ आप लोगों को। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। मेरा नाम है दिलशाद मंसूरी और आप देख रहे हो हमारा अपना यूट्यूब चैनल कैसे करे ये सब। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसे मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है 400 रुपीज़ में। अमेजोन का पैकेट ऑलरेडी मैंने फाड़ दिया है और यहाँ पे जो सील पैक पड़ा हुआ है हमारा pTron का ईयरफोन, तो इसे मैं फटाफट से करता हूँ अनरैप और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। तो कुछ इस तरीके का हमको केस देखने के लिए मिल जाता है। pTron की ब्रांडिंग मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम सा केस है। और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और देख लेते हैं इसके अंदर क्या हमें देखने के लिए मिलता है। ओ वाह, यहाँ पे तो हम लोगों को बहुत ही कमाल का, यहाँ पे पैकेट के अंदर एक छोटा सा पाउच बना हुआ है एंड यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है आपके ईयरफोन्स। फटाफट से इस पाउच में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जिसे आप यहाँ पे रख सकते हो। और फटाफट आ जाते हैं अपने मेन ईयरफोन पे। यहाँ पे आपको 3.5mm का जैक देखने के लिए मिल जाता है, pTron की ब्रांडिंग मिल जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे गोल्डन कलर का आपको 3.5mm का जैक देखने के लिए मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हम बात करें तो कुछ इस तरीके के कुछ बटन्स मिल जाते हैं जिसका यूज़ करके आप अपने म्यूज़िक को प्ले एंड पॉज कर सकते हो, साथ ही साथ अपने कॉल को रिजेक्ट एंड रिसीव कर सकते हो। और उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक और बटन है जिसका प्लस और माइनस का साइन बना हुआ है, जिसपे उसका यूज़ करके आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। बहुत ही कम ईयरफोन्स में ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फीचर। सो फाइनल ईयरफोन हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। pTron की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है आपके ईयरफोन्स के ऊपर, जो काफ़ी अच्छा है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है डुअल ड्राइव होने के बावजूद भी। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर का आपको दिख रहा होगा अंदर ईयरफोन के पास, आपको लग रहा होगा कि वो मेटल है, बट मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल भी इसके अंदर मेटल का यूज़ नहीं किया गया है। इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है। इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, उतनी भी मतलब हाई क्वालिटी नहीं, उतनी भी इसकी ख़राब क्वालिटी नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के वायर्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है जो काफ़ी अच्छा है। अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया। फटाफट से गेम खेलते हैं एंड देखते हैं ये कैसा है और इसको कानों में लगा के भी देखेंगे कि ये फिट आता है कि नहीं। मैंने इस ईयरफोन को अपने कानों में लगा लिया है और यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है कान में, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। सो अब यहाँ पे मैंने कुछ देर इसके अंदर PUBG खेला और मुझको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे मतलब ऐसा लगा नहीं कि कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम है। 400 रुपये का ईयरफोन है और काफ़ी अच्छा ईयरफोन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बिंदास इसे PUBG के लिए ख़रीद सकते हो। इस ईयरफोन के अंदर आपको एनिमीज़ के फुटप्रिंट काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियरली आपको सुनने में आएंगे। अनबॉक्सिंग तो आप लोगों ने देख लिया है, स्पेसिफिकेशंस भी आपको मैंने बता दी। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ मुझको ये लगी कि यहाँ से आप वॉल्यूम्स को अप डाउन कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझको। और जो ईयरफोन है इसको अगर मैं कान में इस तरीके से लगाऊँ और ये कानों से गिरेगा नहीं आपको। अगर आप जॉगिंग वगैरह अगर करते हो आप, तो आपके कानों से गिरेगा नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम फिट हो जाता है कान में। और यहाँ पे एक कुछ तो टेक्सचर मिल जाता है आपको, कुछ इस तरीके यहाँ पे आप लोग रबड़ का एक टेक्सचर मिल जाता है। इसके अंदर मैं आपको एक बार म्यूज़िक प्ले करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो ऑप्शन आपको मिल जाता है आवाज़ कम ज़्यादा करने, ये भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ यूज़ करके, ये फुल साउंड पे। उस तरीके से आप म्यूट भी कर सकते हो इसको, जो हमको सबसे अच्छा फीचर लगा। बहुत ही कम ईयरफोन्स में ऐसा देखने के लिए हमको मिलता है। 400 रुपये के अंदर ये काफ़ी अच्छा वायर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही कम ईयरफोन में आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके का वायर, जो काफ़ी अच्छा है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ, बहुत ही लाइट वेट है। आप इजीली इसको कान में पहन सकते हो, कोई भी दर्द नहीं देगा आपके कानों में। आप घंटों बैठ के आप PUBG खेल सकते हो इसके अंदर। काफ़ी अच्छे से 4 स्टेप आजू बाजू के, लेफ्ट राइट दाएं बाएं, चारों तरफ का आपको साउंड एकदम क्लियर आपको PUBG में इसका सुनाई देगा। काफ़ी अच्छा ईयरफोन है। अगर आपको इसे परचेस करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अमेजोन का। PUBG के लिए बहुत ही अच्छा ईयरफोन है। बेस भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा है गाइस। बिंदास आप बेफिक्र होकर इस ईयरफोन को परचेस कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी एक ईयरफोन परचेस किया था जिसका नाम था बोल्ट लूप ईयरफोन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आप देखो, उससे कंपेयर करो इसको। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके का केस भी मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा केस है, प्रीमियम क्वालिटी का। ऐसा नहीं कि मतलब घटिया क्वालिटी का आपको केस दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर पाउच मिला था, मैंने वीडियो में पहले बताया था आपको। तो काफ़ी अच्छा है गाइस, बहुत ही कम कंपनी जैसा देती है 399 रुपीज़ में। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आए, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हो इस ईयरफोन के रिगार्डिंग। अगर इसे परचेस करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं अमेजोन का, जाके आप उसे परचेस कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।